हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है डिजाइन ऑफ ईओटी क्रेन। ये सब्जेक्ट आता है डिजाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें डिजाइन ऑफ ईओटी क्रेन पढ़ेंगे, उसमें का फर्स्ट स्टेप आज अपन पढ़ेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या रहता है इसमें, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ होस्टिंग मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। लिफ्टिंग कैपेसिटी रहेगा 150 किलो न्यूटन, ठीक है। होस्टिंग स्पीड दिया हुआ है 8 मीटर पर मिनट। मैक्सिमम लिफ्ट कितना है, 10 मीटर है। क्लास कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन के बाद ये आ जाता है डायग्राम। डायग्राम ऐसा है कि ऐसा है, इसमें ये मोटर है, ठीक है। मोटर से कनेक्ट रहेगा अपना गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स और ये जो है ये अपना होस्टिंग ड्रम है, ठीक है। होस्टिंग ड्रम और गियर बॉक्स के बीच में दो कपलिंग रहेगा, ठीक है। कपलिंग से कनेक्टेड रहेगा, और ये होस्टिंग ड्रम है, और ये जो ब्लू ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये अपना रोप है, ठीक है। ये सब रोप है, और ये होस्टिंग ड्रम रहेगा, या रोप ड्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये रोप रहेगा जो अपना ये पुली से कनेक्टेड रहेगा। ये रहता है अपना कंपेस्टिंग पुली रहेगा, ठीक है। ये कंपेस्टिंग पुली रहेगा, ये अपना रोप हो गया। फिर ये जो है ये शैकल प्लेट है, ठीक है। ये दो शैकल प्लेट रहेगा, और ये जो बीच में है वो एक्सेल है, ठीक है। ये एक्सेल है, और ये जो दो है ये अपना मूविंग पुली रहेगा। और यहाँ पे जो ये है ये क्रॉस पीस रहेगा, ये हुक रहेगा, और ये हुक के ऊपर जो ये है ये ट्रस्ट बियरिंग रहेगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा कंप्लीट डिजाइन रहेगा, ईओटी क्रेन का पूरा कंप्लीट डिजाइन है, ठीक है। ये इसमें जितने भी पार्ट्स आते हैं, जैसे साइकिल प्लेट, एक्सेल, मूविंग पुली, सबको एक स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करना है, ठीक है। तो आज अपन पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फॉल्स, टाइप्स ऑफ रोप एंड नंबर ऑफ बेंड। मतलब फर्स्ट स्टेप में अपन सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ फॉल कितना रहना चाहिए, कौन सा टाइप का रोप रहना चाहिए, और नंबर ऑफ बेंड कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है लिफ्टिंग कैपेसिटी, दिया है क्वेश्चन में 150 किलो न्यूटन। तो 150 किलो न्यूटन है, ठीक है। 150 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया, न्यूटन से कन्वर्ट करके फिर इसको केजीएफ में कन्वर्ट किया, ठीक है। केजीएफ में कन्वर्ट करके टन में कन्वर्ट किया, तो अब मिला 15 टन मिलता है, ठीक है। 15 टन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है टोटल लोड। क्यू इज इक्वल टू लोड टू बी लिफ्टेड प्लस असेंबली, ठीक है। लोड टू बी लिफ्टेड, लोड कितना लिफ्ट करना है अभी, 15,000। लोड अपना कितना हो गया, 15,000 केजीएफ। तो 15,000 केजीएफ प्लस असेंबली, असेंबली यहाँ पे एज्यूम करना रहता है 5% असेंबली एज्यूम करेंगे, तो प्लस 5%। तो 15,000 प्लस 5%, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाता है 15,750 केजीएफ। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 15,750 केजीएफ, ठीक है। फिर उसके बाद अपन सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ रोप कौन सा रहेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ रोप क्या रहेगा, सिलेक्ट क्रॉसले टाइप, ठीक है। क्रॉसले टाइप सिलेक्ट करेंगे, उसमें 6x37 वायर रोप सिलेक्ट करें, 6x19 है, 37 वायर रोप सिलेक्ट करें, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वायर्स मोर रहता है, इससे लाइफ वायर का अच्छा रहता है, तो इसलिए अपन 6x37 वायर रोप सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट नंबर ऑफ फॉल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ टन। तो अभी अपन को टन कितना मिला, 15 टन है। तो 15, एक ये टेबल याद रखना, नंबर ऑफ फॉल एंड टर्न्स। तो अगर टर्न लेस देन 25 रहेगा तो नंबर ऑफ फॉल 4 आएगा, अगर टर्न 25 टू 75 टर्न रहेगा तो नंबर ऑफ फॉल 8 आएगा, एंड 75 से ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ फॉल सिस्टम 12 आएगा। तो अपन को यहाँ पे कितना है, 15 टर्न है, तो 15 टर्न के लिए 4 आएगा, नंबर ऑफ फॉल 4 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ये फोर फॉल सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉल है, ये सेकेंड है, यहाँ पे ये थर्ड फॉल आ जाता है, और ये फोर्थ फॉल, ठीक है, ये यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा। तो सिलेक्ट किया था 6x37 वायर रोप सिलेक्ट किया था। तो 6 क्या रहता है, 6x37 है, तो 6 क्या रहता है, 6 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रैंड क्या रहेगा, ये जो सर्कल है वो नंबर ऑफ स्ट्रैंड हुआ, स्ट्रैंड 1, स्ट्रैंड 2, स्ट्रैंड 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, 6 स्ट्रैंड हो गया। और इसके अंदर जो छोटे छोटे वायर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे देखो वायर है,
ये 37 वायर्स रहते हैं, ठीक है। ये टोटल 37 वायर्स रहेंगे और 37 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वायर्स। तो एक स्ट्रैंड के अंदर 37 वायर्स छोटे छोटे रहेंगे, तो ये 37 वायर की वजह से, नंबर ऑफ वायर्स के वजह से इसका लाइफ बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग मोस्टली यही सिलेक्ट, इंडस्ट्रीज में मोस्टली यही सिलेक्ट होता है, 6 × 37, ठीक है। नेक्स्ट है, सो हियर वी सिलेक्ट नंबर ऑफ फॉल सिस्टम 4 रहेगा, एंड नंबर ऑफ बैंड मोस्टली नंबर ऑफ बैंड 3 ही सिलेक्ट करते, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैंड हो जाएगा 3। फ्रॉम PSG 9.1 पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा फॉर होस्टिंग क्रेन, होस्टिंग वहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे लेफ्ट में टेबल रहेगा, ठीक है। वहाँ पे होस्टिंग क्रेन सिलेक्ट करना, क्लास 2 एप्लीकेशन सिलेक्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लास 2 एप्लीकेशन, ठीक है। क्लास 2 एप्लीकेशन सिलेक्ट करना, वहाँ से अपन को डी मिनिमम अपॉन डी का रिक्वायर्ड मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड कितना रहेगा, 17 रहेगा, ठीक है, 17 रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद अब जैसे अपन ने यहाँ पे नंबर ऑफ बैंड कितना सिलेक्ट किया, 3, तो वही पेज पे एक और टेबल रहेगा, डी मिनिमम बाय डी रेशियो का एक टेबल रहेगा, ठीक है। तो उस टेबल पे अकॉर्डिंग टू योर बैंड, बैंड जितना है 3, इसके अकॉर्डिंग डी मिनिमम अपॉन डी का वैल्यू सिलेक्ट करना, जो रहेगा 23, ठीक है। डाटा बुक के पेज नंबर पे 9.1 पे ही रहेगा, वहाँ पे देखना 23 रहेगा, ठीक है। थैंक यू।